कई बार शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी हम मानसिक चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन क्या हम उनके बारे में भी सोचते हैं जो शारीरिक रूप से कई काम करने में अक्षम होने के बावजूद हमसे ज्यादा सकारात्मक जिंदगी जी रहे हैं? ऐसे ही एक व्यक्ति हैं धुनुन के संजीव, जो एक सफल बिजनेसमैन हैं, हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और एक जिंदा दिल इंसान भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन पर अपनी दुर्बलता और अक्षमता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जिस चीज को पाने की इच्छा की उसके लिए कड़ी मेहनत कर उसे हासिल कर ही दम लिया। आपको बता दें कि सुरेंद्र की दोनों टांगें बिल्कुल नहीं चलती हैं, वे शारीरिक तौर पर चलने में पूरी तरह से लाचार हैं, लेकिन वे अक्सर गांव के युवाओं को बुलेट चलाते हुए देखता था। संजीव के जीवन में भी आम युवकों की तरह बाइक चलाने की इच्छा थी और उसने अपनी इच्छा अपने दोस्तों के बीच रखी तो उन्होंने हंसकर टाल दिया, लेकिन संजीव अपना मन बना चुका था और उसने दिन रात एक करके बुलेट खरीदने के लिए पैसा जुटाना आरंभ किया। पिता ने भी अपने बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा करने में सहायता की। बस फिर क्या था, आखिर संजीव का सपना पूरा हुआ और उसने बुलेट खरीदी ही ली, बाइक को विशेष रूप से बदलाव कर उसे अपने चलाने लायक भी बनवाया और तब से अब तक संजीव के हौसलों का सफर बिना रुके चल रहा है। अब संजीव अपने बुलेट में केवल अपने क्षेत्र में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि वे अपने हौसलों के कारण प्रदेश भर में जाने जाते हैं। संजीव अब तक अपनी बाइक पर हिमाचल का भ्रमण करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहावत सिद्ध कर दी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए संजीव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज वे जहां भी जाते हैं लोग उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आते हैं, जिसके चलते उन्हें बेहद खुशी होती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने की ठान ले और उसके करने के लिए दृढ़ संकल्प हो तो उसके सपने अवश्य पूरे होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बाइक चलाते हुए देख अन्य अक्षम व्यक्ति भी उनसे उनके अनुभवों को बांटना चाहते हैं और वे भी उनकी तरह अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। मुझे एक साल हो गया इसको चलाते हुए। एक्चुअली मैं सोचता था ना क्योंकि कुछ अलग करना चाहिए, तो मैं सोचता था कि हम भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि हम देखते थे जो चलते हैं तो उनको भी देखते थे हम कैसे चलाते हैं, तो अगर मैं करूँगा तो मेरे और भी मेरे जैसे उनको भी मेरी तरफ से हिम्मत आएगी। जो सोना चाहिए और जुनून होना चाहिए और आप आराम से इसको ड्राइविंग कर सकते हो। जो भी मेरा 100% डिसेबिलिटी है, मैं 100% तो मैं चला सकता हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई भी चला सकता है। गियर में थोड़ी शिफ्टिंग होती है और जो जिसने कभी किसी जैसे कोई हैंडीकैप है उसने नहीं चलाई हुई कोई भी गाड़ी, तो आराम से चला सकता है इसको। हाँ, खुशी तो बहुत है। क्या बोल, वो पूछते रहते हैं कि कैसे कैसे आपने कैसे किया। सेल्फी तो बहुत बनने लगते हैं।